हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डू व्हाइल लूप। प्रीवियस लेक्चर में हम डू व्हाइल लूप की थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे डू व्हाइल लूप को हम कैसे सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं या कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो बेसिकली डू व्हाइल लूप की हेल्प से मैं यहाँ पे छोटे छोटे आपको प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे डू व्हाइल लूप में हम प्रिंट टेबल कोई टेबल को अगर मुझे प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। ठीक, किसी यूज़र से अगर कोई वैल्यू लेनी है और वैल्यू लेकर मुझे कोई टेबल प्रिंट करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर मैं कंडीशन में एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो उसका क्या मीनिंग हुआ, ये सारे इस टाइप के प्रोग्राम हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं देव सी में एक्चुअली प्रोग्राम बनाने वाला हूँ, तो पहले मैं देव सी ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया देव सी प्लस प्लस, तो ये आ गया, इसे मैंने ओपन कर लिया। मैं न्यू डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो ये न्यू डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ, सेव एज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको कर रहा हूँ मैं डेस्कटॉप में, हमारे पास है सी प्रोग्राम नाम से, वहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट ऑफ डू व्हाइल लूप। ठीक है, डॉट सी में करने वाला हूँ, इसलिए सोर्स फाइल में डॉट सी लूंगा। हमारे पास एक ऑलरेडी है इम्प्लीमेंट ऑफ व्हाइल, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने व्हाइल लूप को इम्प्लीमेंट किया था, ये वो वाला है, इंप्लीमेंट ऑफ डू व्हाइल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपना टेम्पलेट बना लेता हूँ, जो हमारा सी का टेम्पलेट होता है वो देख लिख लेता हूँ। तो वो क्या होता है हमारा, सिंपली कि मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी हैज इंक्लूड stdio.h। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास इंट मैन, और इसमें मैं लिख दूंगा क्या, रिटर्न जीरो। ठीक है, इतना तो मेरा टेम्पलेट होता है, मैंने लिख लिया है। अब मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। तो सपोज मुझे मल्टीपल टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, इस छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं कि मैं 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे, एक तो मैं मैनुअली लिख सकता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और ऐसा मैं 10 टाइम्स लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं क्या लिखूँ, प्रिंट एफ लिखूँ, उसके बाद फिर हेलो वर्ल्ड इसके अंदर, और इसको मैं 10 टाइम्स रिपीट करूँ। एक तो ये तरीका होता है, पर ये सही तरीका नहीं है, मैनुअली हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अगले टाइम 20 टाइम्स प्रिंट करना है नेक्स्ट टाइम, तो क्या मैं फिर 20 टाइम्स लिखूंगा, फिर 30 टाइम्स करना है तो क्या 30 टाइम्स लिखूंगा। इससे तो मेरे लूप की, इससे तो मेरे प्रोग्राम की साइज बढ़ जाएगी। तो मैं, ये सही तरीका नहीं। तो इसके सेकेंड तरीका क्या होता है, सेकेंड वे होता है कि मैं इसको लूप के अंदर यूज़ करूँ। तो हम इसको किसी भी लूप के अंदर यूज़ कर सकते हैं, मैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। मैं फिलहाल डू व्हाइल लूप के अंदर इसको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं डू व्हाइल लूप परसेंटेज बना देता हूँ। क्या होता है डू, और नीचे हमारा क्या होता है व्हाइल में कंडीशन होती है, ये होता है डू व्हाइल लूप। यहाँ पे होती है क्या, कंडीशन, और सेमी कॉलन आता है, ये डिफरेंस होता है डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में। ठीक है, यहाँ पे सेमी कॉलन आता है। ठीक है, ये हमारा डू व्हाइल होता है। अब मुझे जो भी स्टेटमेंट रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स, उसको मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा डू के अंदर। तो मुझे सपोज ये हेलो वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना था, तो मैं इसको यहाँ से हटा के कंट्रोल एक्स करके यहाँ कंट्रोल वी से प्रेस कर देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, ये सिंटैक्स हो गया जिसको मैं मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, तो कंडीशन में हम क्या करते हैं, कंडीशन में हम यहाँ पर हम कोई कंडीशन लिखेंगे जो ये बताएगी कि लूप कितने टाइम चलने वाला है। मतलब अल्टीमेटली इस कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम लूप को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन देता हूँ। तो सपोज मैंने कंडीशन लिख दी सिंपल, एक मेरे पास वेरिएबल है सपोज के है, मैंने बोल दिया के इज लेस देन इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक के की वैल्यू जो है 10 से कम या इक्वल हो तब तक एक लूप चले, और जैसे ही 10 से ज़्यादा हो जाए लूप से मैं बाहर आ जाऊँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मुझे इस के अंदर कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मुझे पता है सी लैंग्वेज में मैं कोई भी अगर वेरिएबल या कुछ भी यूज़ करता हूँ तो मुझे सबसे पहले उसे बताना पड़ता है कि वो क्या है। यहाँ पे मैंने के यूज़ किया, तो मैं बता देता हूँ के एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो के इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है तो ये चलता रहेगा। ठीक है, अब चूंकि ये के की वैल्यू तो 1 है तो वो हमेशा 10 से छोटी होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब के को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो मैं कैसे अपडेट कर देता हूँ, के प्लस प्लस, इसके हेल्प से भी अपडेट कर सकता हूँ, या के इक्वल टू के प्लस 1 लिख के ऐसे भी अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्या हुआ, के को अपडेट कर दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन कराऊंगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। कैसे सेव करूंगा, फाइल्स, जब भी आप प्रोग्राम रन कराते हो तो उससे पहले उसे सेव करना जरूरी है। मैंने सेव कर दिया है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, तो मैं कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ कर देता हूँ। तो ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे कंपाइल और हो चुका है, अब ये रन हो रहा है ना, कंपाइल या नीचे आ गया है, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये कंपाइल हो चुका है ना, अब ये रन हो रहा है ना। तो ये जैसे रन हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्या आउटपुट होगा हमारा,
हेलो वर्ल्ड चलेगा कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, 1 से स्टार्ट होगा के की वैल्यू और कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी, तो हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिंट होगा। और जैसे के की वैल्यू 11 हो जाएगी, हम क्या हो जाएंगे, स्क्रीन से बाहर हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। ठीक है, तो देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसमें, ये हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, क्या गया, हेलो वर्ल्ड। देखिए जब के की वैल्यू 1 होगी तो यह होगा आपका आउटपुट। ठीक है, फिर के की वैल्यू कितनी हो जाएगी नेक्स्ट टाइम पर, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, देन 9 और देन 10। और जैसे ही के की वैल्यू 10 के बाद 11 होगी तो हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट हो गया। इस टॉप से बॉटम चलता है, मैंने नीचे सुपर बोल दिया आपको, ये टॉप से बॉटम आता है ना, मतलब के की वैल्यू 10 यहाँ पे हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा लूप काम करता है। अब मैं यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब मैंने व्हाइल लूप इंप्लीमेंट किया था कि अल्टीमेटली यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जो भी कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन को एवेल्यूएट करके वो लास्ट में चेक करता है कि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो फॉल्स है, और अगर नॉन जीरो वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो ट्रू है। तो मैं अगर 1 लिखता हूँ तो 1 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, इसका मतलब उसको ट्रू ही माने, और ये कंडीशन जो है इनफाइनाइट लूप में चलती रहेगी। ठीक है, जैसे कि मैं इसको कंट्रोल एस, अब के की वैल्यू आप अपडेट करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर 1 लिख दिया है। तो अब क्या होगा, अब मैं इस प्रोग्राम को जब भी रन और कंपाइल एंड एग्जीक्यूट कराऊंगा तो इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। अब देखिए ये इनफाइनाइट लूप में, देखिए ये इनफाइनाइट लूप में आ चुका है, अब हेलो वर्ल्ड मल्टीपल टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर 0 लिख दूंगा तो क्या होगा, अब ये समझने वाली बात है। देखो मैंने 0 लिख दिया, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो जब मैंने व्हाइल लूप में 0 लिखा था तो व्हाइल लूप में कंडीशन फॉल्स हो गई तो आउटपुट कुछ नहीं आया था। लेकिन डू व्हाइल क्या करता है, डू व्हाइल कंडीशन चेक होने के पहले एग्जीक्यूट होता है। इसका मतलब पहली बार जब चलेगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी 0, और फिर क्या हो जाएगा, हम लूप से बाहर हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर हमारा जो लूप है वो एटलीस्ट 1 टाइम जो तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होने वाली है, फिर भी मेरा आउटपुट जो है वो एक बार हेलो वर्ल्ड आ ही जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड आ चुका है, उसके बाद जो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हुआ है। तो डू व्हाइल लूप का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, या फिर हम ये कहें कि एक डिफरेंस है व्हाइल लूप से या अदर लूप से, कि अगर कंडीशन ट्रू हो फॉल्स भी हो तो भी डू व्हाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होते ही होता है। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पर टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ तो आई की वैल्यूज की हेल्प से मैं टेबल प्रिंट करा सकता हूँ। सपोज मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए के, यहाँ पर के की वैल्यू 1 है तो मैं के की वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ। कैसे प्रिंट होगी, परसेंट डी, के इंटीजर टाइप है तो परसेंट डी, तो के की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट करा दिया, ये हो गया हमारा के की वैल्यू, क्या आउटपुट आएगा, 1, और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि 0 लिखा है। अगर मैं यहाँ पे के इक्वल टू क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे के इक्वल टू के प्लस 1 कर देता हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ क्या, कि जब तक कि के मेरा क्या है लेस देन इक्वल टू 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी जब तक चलेगा, इसका मतलब के की 10 वैल्यू तक ये चलने वाला है ना। तो इसको अगर मैं रन और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टीमेटली सॉरी यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगाना भूल गया। अब मैं इसको कंपाइल रन कराता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 से लेके 10 तक। ये देखिए, अगर आपको टेबल प्रिंट करानी है किसी नंबर की तो व्हाइल लूप की हेल्प से वो भी करा सकते हैं। कैसे, आप पहले वो नंबर ले लीजिए यूजर से, प्रिंट एफ, मैंने नंबर ले लिया, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, यूजर से आप एनी इंटीजर वैल्यू इंटर करा लीजिए। उसके बाद फिर रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्कैनएफ फंक्शन चाहिए, तो स्कैनएफ फंक्शन से हम उसको रिसीव कर लेते हैं। इंटीजर वैल्यू इंटर करने वाला है, इसका मतलब हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, परसेंट डी सॉरी, और किसके अंदर रिसीव कर लेते हैं, सपोज एन के अंदर। ठीक है, स्कैनएफ में जब भी हम वेरिएबल को लिखते हैं तो किसके हेल्प से लिखते हैं, एम परसेंट या फिर एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं डिफाइन भी कर देता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल है एन। ठीक है, इसके अंदर रिसीव हो जाएगा। अब जो वेरिएबल मेरे पास आ चुका है, जो वैल्यू आ चुकी है एन के अंदर, उसके लिए मुझे टेबल प्रिंट करनी है। तो हमारा टेबल कंसेप्ट क्या होता था, मैं यहाँ पर थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ। टेबल कंसेप्ट क्या होता था कि जो भी नंबर की आपको टेबल लिखा निकली है वो 6, सपोज 6 के लिए लिखनी है तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू 6, 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। तो ये जो है हमारा कंसेप्ट होता था, मतलब 6 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 1, 2, 3 में, और मेरी टेबल चलती जाएगी जहाँ तक हम करते जाएंगे। तो मुझे अब ये 1, 2, 3 तो के प्रिंट कर ही रहा है, मैं इसमें क्या कर देता हूँ, इंटू सिक्स मतलब एन, क्योंकि एन में वैल्यू आई है तो इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं इसको प्रिंट कर पाऊँगा। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंपाइल कर देता हूँ। तो मैंने कंपाइल कर दिया तो हमारा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, स्क्रीन पर आ गया। इंटीजर नंबर बोल रहा है, मैंने सपोज क्या दे दिया, 4 दे दिया, तो 4 की टेबल आ गई। तो इस तरीके से जो है हम टेबल प्रिंट करा सकते हैं।
इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता था कि मैं पहले एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट कर लूँ, सपोज एम में स्टोर कर लिया, एम इक्वल टू मैंने क्या लिख लिया एन इंटू के, और फिर यहाँ पे एम को प्रिंट करा दूँ, ठीक है। पर चूंकि एम मैं यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे इसको बताना पड़ेगा एम क्या है। एम मेरा एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव कर दिया और मैं इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो मैं ऐसे भी कर, सॉरी सेमी कॉलन लगाना भूल गया, सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है कि सेमी कॉलन मिस नहीं करना है। मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट फिर से वो मुझसे पूछेगा एक कोई नंबर, ठीक है। ओह सॉरी नीचे चलो, देखते हैं, टाइम लग रहा है आउटपुट आने में। इसको बंद करके चालू कर देता हूँ एक बार फिर से। फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं कंपाइल एंड रन, देखते हैं। थोड़ा सा स्लो हो गया है सिस्टम, इसको स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके एक बार मिनिमाइज कर दो, शायद आउटपुट आ जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, आ गया। एन इंटीजर नंबर मैंने सपोज इंटर कर दिया, क्या फिर से इस बार 5 कर देता हूँ, तो आउटपुट 5 की टेबल आ गई। तो मैं इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा टेबल प्रिंट होगी। अब चूंकि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप एक्सप्रेशन भी कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप कंडीशन लिखो, तो मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया के इज इक्वल टू के माइनस वन, और मैंने के की वैल्यू इनिशियली किससे कर दी, 10 से कर दी। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अब देखिए, मैं अब मुझे इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं, क्या होगा इसका आउटपुट आप गेस कीजिए। सिस्टम आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप आउटपुट पेन कॉपी से करके पेपर पर निकालिए। चलिए मेरे हिसाब से आपने निकाल लिया होगा। अब देखते हैं आउटपुट क्या होगा, क्या होगा। के की वैल्यू इनिशियली 10 है, तो 10 इंटू एन जो भी एन की वैल्यू होगी, सपोज आपने 4 दी है ना, तो एन की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 40 आउटपुट जाएगा। फिर क्या करूंगा मैं, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन ये देखिए, के इक्वल टू आपने क्या लिखा है के माइनस वन, मतलब क्या होगी, के की वैल्यू अब 9 हो जाएगी। 9 मतलब कंडीशन ट्रू, फिर चलेगा। तो के की वैल्यू अंदर अपडेट भी हो रही है और हमारा लूप भी कंट्रोल हो रहा है, दोनों काम एक साथ हो गए। मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया, तो अब देखिए आउटपुट क्या होगा। तो सपोज मैं वैल्यू देता हूँ 4, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, टॉप 40, 36, ये टेबल उल्टी टेबल प्रिंट हो गई, ठीक है 4 की। तो इस तरीके से जो है हम डू व्हाइल लूप से भी किसी भी इस तरीके से डू व्हाइल लूप का यूज़ करके हम कोई भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। वैसे सेम यूज़ है, जो चाहे आप डू व्हाइल यूज़ कर लो, चाहे आप व्हाइल यूज़ कर लो, बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि डू व्हाइल लूप में अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है तो भी आपका लूप कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है। तो अगर आपको कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आने वाली है जहाँ पे आपको लगता है कि कंडीशन चेक होने से पहले आपके एक प्रोग्राम चल जाए या कुछ मैसेज प्रिंट हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कंडीशन प्रिंट चले चेक हो, तो आप वहाँ पर डू व्हाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब आप कैलकुलेटर बनाते हैं, तो कैलकुलेटर में आप चाहते हो कि पहले एक बार आपका जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो वापस से पूछे कि आपको इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। और अगर नहीं करना है, नो कर दे, तो बाहर हो जाए, मतलब एक बार तो कम से कम ऑपरेशन परफॉर्म हो ही जाए। तो हम वहाँ पर डू वैल्यू यूज़ करते हैं। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पर आप कम से कम एक बार कोड चलाना चाहते हो, वहाँ पर हम डू वैल्यू यूज़ करते हैं। और जहाँ पर आप हर बार चाहते हो पहले कंडीशन चेक हो उसके बाद ही कोड चले, तो वहाँ पर आप वाइल या फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डू व्हाइल लूप के साथ काम करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल बनाए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन क्या होगा उसे भी दबाइए, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।